नूह मेवात जिले में हुई हिंसा के बाद आज चौथा दिन है। चौथे दिन मेवात काफी असर देखने को मिला। मेवात में संपूर्ण तरीके से शांति रही। वही अगर नूह के पुलिस अधीक्षक श्री वरुण सिंगला के मार्गदर्शन में वे डीसी प्रशांत पवार के निर्देशन में लगातार शांति बहाली के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है और संपूर्ण तरीके से शांति व्यवस्था की अपील की जा रही है। हम आपको बता दें कि नगीना व फिरोजपुर झिरका में डीएसपी सतीश वत्स व अन्य पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया। फिरोजपुर झिरका शहर से लेकर मेवात ये फिरोजपुर झिरका खंड के लगभग गाँव में फ्लैग मार्च कर पुलिस प्रशासन द्वारा शांति का पैगाम दिया गया और सभी लोगों से अपील की गई कि आप लोग हिंदू मुस्लिम आपसी भाईचारे को बनाकर रखें, संपूर्ण तरीके से शांति रखें। शांति भंग करने वाले लोगों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर भी मेवात पुलिस प्रशासन द्वारा विशेष नजर रखी जा रही है। सोशल मीडिया जो कोई भड़काऊ पोस्ट डालेगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। फिरोजपुर झिरका के डीसी सतीश वत्स ने सभी युवा सभी समाज के लोगों से अपील करते हुए कहा कि आप लोग भाईचारा बनाएं, संपूर्ण तरीके से पुलिस प्रशासन की भी मदद करें। इलाके में अनहोनी से कैसे निपटा जा सकता है वो पुलिस प्रशासन ने कर दिखाया है। मेवात में अलग अलग बटालियन आई हुई हैं। फिर रैपिड एक्शन फोर्स की बात करें, सीआरपीएफ की बात करें या अर्धसैनिक बलों की बात करें, काफ़ी संख्या में पुलिस मेवात जिले में देखने को मिल रही है और समय अनुसार जो है पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च कर शांति का एक अहम संदेश अहम पैगाम दिया जा रहा है और लोगों से बार बार पुलिस प्रशासन द्वारा नूह के पुलिस अधीक्षक श्री वरुण सिंगला द्वारा मेवात के डीसी श्री प्रशांत पवार वो फिरोजपुर झिरका के डीएसपी व अन्य अधिकारियों द्वारा बार बार लोगों को समझाया जा रहा है और बार बार शांति की अपील की जा रही है। ये लाइव तस्वीरें आप फिरोजपुर झिरका से देख रहे हैं जहां पर डीएसपी सतीश वत्स के नेतृत्व में वही ड्यूटी मजिस्ट्रेट डॉक्टर चिनार चहल द्वारा कल भी नगीना क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया गया था तथा लोगों में शांति बहाल करने की अपील की गई थी। लगातार पुलिस प्रशासन अशांति बहाल करने में लगा हुआ है। हम आपको बता दें कि लगातार मेवात के पुलिस अधीक्षक श्री वरुण सिंगला व मेवात उपायुक्त श्री प्रशांत पवार सारे मामले पर नज़र बनाए हुए हैं। वही उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने वाले युवाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और ऐसी अब तक 3 एफआईआर मेवात के पुलिस प्रशासन द्वारा युवाओं के खिलाफ भी दर्ज की है जो सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। उसकी पुष्टि मेवात के पुलिस कप्तान श्री वरुण सिंगला ने की है। लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा शांति बहाली के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। संपूर्ण जिले में भाईचारा दोबारा से मिसाल कायम करें उसी के लिए पुलिस प्रशासन की बात करें या स्थानीय लोगों की बात करें, लगातार प्रशासन के साथ में मौलवियों वे जिले के प्रमुख स्थानीय लोगों की भी मीटिंगें चल रही हैं। शांति कमेटी के जरिए शांति व्यवस्था बनाने की लगातार अपीलें की जा रही हैं मेवात जिले में। और आज अगर देखने को आए तो आज हिंसा का तीसरा दिन है और हिंसा के तीसरे दिन काफ़ी सुधार जो मेवात जिले में देखने को मिला संपूर्ण तरीके से। आज हम कह सकते हैं कि मेवात जिले में लगभग शांति रही और पुलिस प्रशासन की चप्पे चप्पे पर जो है जवानों की तैनाती की गई है और चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन हर गतिविधियों को बारीकी से देख रहा है कि कहीं पर किसी प्रकार की दोबारा से ऐसी अनहोनी घटना फिर दोबारा ना हो, उसी के लिए पुलिस प्रशासन संपूर्ण तरीके से अलर्ट है। जिला प्रशासन द्वारा हर पहलू की बारीकी से जाँच कर उस पर नजर रखी जा रही है। वही युवाओं की जो गिरफ्तारी हुई है लगातार गिरफ्तारी पुलिस प्रशासन द्वारा रेड की जा रही है। लगातार उपद्रवियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। वही डीएसपी फिरोजपुर झिरका ने कहा कि किसी भी को सताया नहीं जाएगा और जायज लोगों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। जो इस मामले से जुड़े हुए उपद्रवी हैं वह कहीं तक भाग लें, किसी भी सूरत में उनको बख्शा नहीं जाएगा। कार्यवाही की जा रही है। वही शांति व्यवस्था कायम करने के लिए गांव-गांव जाकर फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को समझाया भी जा रहा है कि आप लोग शांति बनाकर रखें। हिंदू मुस्लिम मेवात में सदियों से आपसी भाईचारा चला आ रहा है, उसको दोबारा से इसी प्रकार से कायम करें। पुलिस प्रशासन लाइव तो सुनो, आप देखिए कि जी तोड़ मेहनत कर रहा है कि दोबारा से भाईचारा इसी प्रकार से कायम रहे और भाईचारा बिगाड़ने वालों को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। साफ तरीके से मेवात के पुलिस कप्तान श्री वरुण सिंगला ने कहा कि उपद्रवियों को हर
हाल में सलाखों के पीछे भेजा जाएगा तथा भाईचारा खराब करने वाले युवाओं से भी सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए वीडियो वे आपत्तिजनक पोस्ट वायरल करने वाले युवाओं से जहां अपील भी की है और उन्होंने कहा है कि साइबर टीमें अलग अलग तरीके से जो निगरानी सोशल मीडिया की कर रही है, अगर कहीं पर भी इस प्रकार से कोई सांप्रदायिक पोस्ट किसी ने भी डाली तो किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। ऐसी अब तक 3 FIR तो कर दी गई है, बाकी बारीकी से पुलिस प्रशासन जांच में लगा हुआ है। इलाके में फ्लैग मार्च निकाला गया है, किस तरीके की जो अब माहौल क्या है? देखिए, अब जैसा कि आपको पता है कि पहले से पूर्णतया यहाँ पर शांति है और उसी के मद्देनज़र के लोगों में कॉन्फिडेंस बना रहे, कोई किसी अफवाह में ना आए, कोई गलत काम ना करे, इसके लिए पुलिस की प्रेजेंस के लिए, लोगों में कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए फ्लैग मार्च आज निकाला गया है जो हम रूटीन में निकाल रहे हैं। RAF की जो फोर्स हमारे आई हुई है उसके साथ हमने ये मार्च निकाला है और DSP मेरे साथी अधिकारी जो ड्यूटी पर यहाँ पर आए उनको साथ लेके SP साहब के अध्यक्षता में जो यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है विजय जाखड़ जी की, उनके अध्यक्षता में हमने एक रूट मार्च निकाला है। ये हमने इसमें अगोन, पथराली और रिगढ़, कोलगांव ये होते हुए और अभी हम वापस थाने में पहुँचे। इलाके में पूर्णतः शांति। तो सर, सोशल मीडिया पर जो कुछ युवा सक्रिय हैं, अपनी तरफ से क्या संदेश उनको देना चाहोगे? देखिए, मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि जो इलाके के इस समय हालात हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए कोई ऐसी पोस्ट ना डालें जिससे किसी भी आदमी पर, किसी भी, चाहे वो किसी भी धर्म का है, किसी भी समुदाय का है, उस पर कोई असर ना पड़े, कोई उसकी भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, उससे माहौल ख़राब होता है। कृपया करके इनसे बचें। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि हमारा साइबर का तंत्र भी ये काम कर रहा है, अगर कोई ऐसा करता है तो हम सख्त कार्रवाई करने के लिए उसके खिलाफ तत्पर हैं। सर, धारा 144 जैसे लगी हुई है, ऐसे में क्या अपील करना चाहेंगे इलाके के लोगों को शांति बहाल के? देखिए, उसका एक तो ज़्यादा मात्रा में लोग इकट्ठे ना हों, धारा 144 लगाने का हमारा यही मकसद होता है कि लोग इकट्ठे ना हों, कोई दंगा वाले जो हथियार हैं, लाठी डंडे लेकर ना जाएं, इस तरह की चीज़ों पर रोक होती है। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए कानून की पालना करें और ताकि जल्दी से जल्दी इलाके में शांति बहाल हो।